अनिल विज बोले, केजरीवाल की गिरफ्तारी से जीवित हुआ प्रजातंत्र, आप कार्यकर्ताओं पर भांजी लाठियां। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में शुक्रवार को कुरुक्षेत्र में सीएम आवास घेराव के लिए पहुंचे आप कार्यकर्ताओं पर पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। इसमें पार्टी प्रदेशाध्यक्ष एवं गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा सहित 12 से अधिक कार्यकर्ता घायल हो गए, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। इस दौरान डीएसपी रामकुमार सहित कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने 40 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद वीरवार की देर शाम कोई पार्टी की ओर से प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान कर दिया गया था। ऐसे में पुलिस ने आवास के करीब 100 मीटर पहले से दूसरी नाकेबंदी की थी। वह अन्य बंदोबस्त के साथ डीएसपी रामकुमार की अगुवाई में पुलिस बल तैनात किया गया था। सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता पूर्व मंत्री बलवीर सैनी की अगुवाई में आवास के बाहर जुटने लगे और करीब 1 घंटे बाद जब पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता व प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा पहुंचे तो कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास करने लगे। पहले पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया लेकिन कार्यकर्ता अड़े रहे। ऐसे में पुलिस ने पहले पानी की बौछारें छोड़ी और फिर हल्का लाठीचार्ज किया गया। इसमें प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता व अनुराग ढांडा सहित कई कार्यकर्ताओं को चोटें आईं। घायल कार्यकर्ता वहीं बैठे रहे और जब करीब आधे घंटे से ज्यादा समय तक एम्बुलेंस नहीं आई तो कार्यकर्ता फिर भड़क गए और बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने फिर वाटर कैनन व बल का प्रयोग किया, इसके बावजूद कार्यकर्ता नहीं हटे। कुछ देर रुकने के बाद पुलिस ने पूर्व मंत्री बलवीर सिंह सैनी सहित 40 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। फिर 2 बसों में भरकर उन्हें अन्यत्र ले जाया गया। वहीं एम्बुलेंस भी बुलाई गई जिसमें घायल कार्यकर्ताओं को नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। उन्हें समझाने का प्रयास किया गया लेकिन नहीं माने। इसके बाद हालात को काबू में करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी पड़ी। ऐसा न करते तो कार्यकर्ता सीएम आवास में घुस जाते, जो कानूनी तौर पर सही नहीं है। कार्यवाही में कई पुलिसकर्मियों व कार्यकर्ताओं के चोटिल होने का पता चला है। पूरे मामले की जाँच की जाएगी। आप पार्टी के नेताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर बरसाई लाठियां। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता व वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कहा कि भाजपा सरकार चुनाव से डर रही है और तानाशाही से विपक्ष को दबाना चाहती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।